कैनॉन सिस्टम दुनिया में सबसे पहले लंबी है ऐसा पहला प्रोजेक्ट, और पानी के बाढ़ के डैम के बीच इसमें दूसरा प्रोजेक्ट। 22 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा और 4 करोड़ लोग जो दूषित पानी पी रहे थे उनको शुद्ध और स्वच्छ जल मिला, ऐसा नर्मदा का सपना, परियोजना का सपना प्रधानमंत्री जी ने बड़े हिम्मत के साथ संघर्ष करते हुए सभी अड़चने और समस्याओं पर मात करके इसको सफल रूप से पूरा किया। और इतना ही नहीं तो देश के इतिहास में बुलेट ट्रेन का इतिहास की भी शुरुआत कर दी। जापान के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन की नींव रखी और ये भी एक बहुत बड़ा अच्छी शुरुआत है। विशेष रूप से इस बात की चिंता राजनीतिक प्रस्ताव में की गई कि केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है उनमें 14 माह में हमारे 14 कार्यकर्ताओं की वहां बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी। सहिष्णुता का विषय जो है वो आया है, सहिष्णुता सभी के लिए होनी चाहिए और असहिष्णुता का सभी लोग विरोध करते हैं, पर एक विशेष वर्ग के ऊपर जो कुछ होता है तो बहुत लोग सहिष्णुता का विषय जरूर उठाते हैं और वो सही भी है, पर जब एक विशेष वर्ग पर अन्याय होता है तब विषय उठाने वाले संकोच करते, पता नहीं उस समय क्यों नहीं बोल पाते, पर वो चुपचाप बैठ जाते हैं। चाहे पत्रकारों के प्रति हो, चाहे कार्यकर्ताओं के प्रति हो, चाहे किसी वैचारिक विरोधकों के प्रति हो, किसी प्रकार भी हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, हम हिंसा का निषेध करते हैं और सभी प्रकार की इस हिंसा का समाज ने और देश ने निषेध करना चाहिए। और पत्रकारों पर इस प्रकार की हत्या करना, उनके ऊपर अटैक करना, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर अटैक करना ये पूरी तरह अन्यायपूर्ण और गलत है, और ये हिंसा जो है ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए सबने मिलकर सहिष्णुता का परिचय देना चाहिए और जो असहिष्णुता है, हिंसा है, इसका विरोध करना चाहिए। यही बात प्रस्ताव में लिखी गई। जो ओबीसी है उनके लिए सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए पहली बार आयोग भी बना गया और उसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। पहली बार संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारा सरकार ने किया है। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यसभा में कुछ हमारी सरकार को इसका श्रेय मिल रहा है, शायद इसी कारण क्यों न हो, पर कुछ राजनीतिक पार्टी और नेता इसका विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में दुख भी जताया गया। और हमारी पार्टी ओबीसी इनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए कृतसंकल्प है और उनके लिए पूरी तरह काम करेगी, ये विश्वास दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उनका सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग हमारी प्रेरणा है। जो समाज में शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे, और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा, ये उनका सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी जो है इस निमित्त इस साल में हमने गरीब कल्याण वर्ष मनाने का निश्चित किया है। गांव गरीब, मजदूर और किसान, इसका कल्याण कैसे हो, गरीबी दूर कैसे हो, बेरोजगारी दूर कैसे हो, यही हमारे सरकार की आर्थिक नीति की विशेषता है। और रोजगार निर्माण करने वाली, गरीबी दूर करने वाली, सामाजिक और आर्थिक न्याय देने वाली और गांव, गरीब, मजदूर, किसान को रोटी, कपड़ा और मकान देकर उसके जीवन को सस्टेनेबल बनाने वाली, यही आर्थिक नीति, ये हमारी सरकार की वैचारिक भूमिका है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो सपना हमारे देश को दिया है वो न्यू इंडिया का है। 2022 में हमारे स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसलिए 125 करोड़ भारतवासियों के साथ कार्यकारिणी में ये संकल्प किया गया है कि न्यू इंडिया बनाने का जो हमारा सपना है उसके लिए हमको कठोर परिश्रम करने हैं और उसको हमको पूरा करना है। अब इस न्यू इंडिया को बनाने के सपने को हमें कोई रोक नहीं सकता। ये सपने के जो 6 प्रमुख बिंदु है जिसका जिक्र इस प्रस्ताव में किया है और जिस बिंदुओं पर सरकार भी काम कर रही है और पार्टी भी काम कर रही है और दोनों के बीच में समन्वय है, वो है गरीबी से मुक्त भारत। जो नया भारत होगा वो गांव, गरीब, मजदूर, किसान की गरीबी दूर होगी और गरीबी से इस भारत में मुक्ति मिलेगी।
बता जो है से नष्ट हो और इसलिए जातिवाद से मुक्त भारत हो, ये नई इंडिया नया भारत का सपना में ये भी हमारा एक मिशन है। संप्रदायवाद, वोट बैंक के राजनीति के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी उनको गौरवान्वित करना और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सांप्रदायिकवाद का जहर बार बार घोलते रहना, ये नीतियां देश में चलती रही है। हम मानते हैं सबका साथ सबका विकास, जात पंथ धर्म भाषा सेक्स के आधार पर कोई बड़ा नहीं होता, सबको साथ लेकर और संप्रदायवाद से और जातिवाद से हम भारत को मुक्त करेंगे और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे तीन साल अब साढ़े तीन साल होने हैं, इसमें हमारे सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जिस विभाग में हूं वहां 6 लाख करोड़ से 6.5 लाख करोड़ के काम दिए गए पर एक भी अखबार की एक भी लाइन कोई भ्रष्टाचार के ऊपर लिखी नहीं गई। स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, फुल ट्रांसपेरेंसी, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एप्रोप्रिएट विजन, कमिटमेंट फॉर द कंट्री और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यही सरकार की विशेषता रही है। ये जो 6 मुद्दे जो है ये हमारे 2022 तक के जो नई भारत की हमारी प्रधानमंत्री की सोच है, यही हमारा मिशन है और इसलिए हमारे देश को गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, अस्थिरता, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, जात पंथ धर्म भाषा से मुक्त, सबका साथ सबका विकास, मानवता के आधार पर आतंकवाद से मुक्ति देकर एक सुखी, समृद्ध और संपन्न हिन्दुस्तान का एक तस्वीर, एक भविष्य बनाना, यही हमारी न्यू इंडिया की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने रखी है। इसको पूरा करने का संकल्प इस प्रस्ताव में इस कार्यकारिणी ने किया है। ये प्रस्ताव पर चर्चा हुई, प्रस्ताव मंजूर हुआ है और अब देश के कोने कोने तक इस प्रस्ताव में जो स्पिरिट व्यक्त किया है उसके आधार पर सरकार भी गतिशीलता से काम करेगी और उसके समन्वय में पार्टी भी दिशा में काम करेगी, इसका निर्णय हुआ है। ये प्रस्ताव एक मत से पारित हुआ है और इसका ब्रीफिंग मुझे आपको करना था, मैंने किया है, आप पूछ सकते हैं। एक 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 जन पूछे, एक एक जन, आप पूछे, महुआ आप पूछे, इनके पास माइक है क्या, माइक दे सकते हैं? नहीं है, अच्छा कोई बात, हाँ बोलो, आपका आवाज बड़ा है। देखिए, रिजर्वेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए है। हमारे संविधान से भी हमने इस बात को मंजूरी दी है कि जो समाज में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं वो समाज के बराबरी आने तक उनको आरक्षण की सुविधाएं मिलेगी और इसीलिए ऐसे पिछड़े हुए लोगों के लिए वो सब समाज के साथ आने के लिए उनको आरक्षण आवश्यक है और इसलिए जो ओबीसी के लिए
केवल एक आयोग था, पर उस आयोग को अब संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इसके कारण जो अदर बैकवर्ड का जो हमारी जाते हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके भी विकास का मौका उनको मिलेगा। मेरे बोलने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जो गरीब है उसको हम लोग कल्याणकारी योजनाएं देती है और जो धनवान है उसको नहीं देते। जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है और विशेष रूप से जहां सामाजिक और आर्थिक विषमता है और सोशो इकोनॉमिक इक्वेलिटी नहीं है, अनइक्वेलिटी है, वहां ऐसे लोगों के लिए आरक्षण देना कर्म प्राप्त है, संविधान भी है और हमारे पार्टी का इसको समर्थन है। इसी के आधार पर उस बात को मैंने कहा है और उसका हम समर्थन भी करते हैं और दोनों बातों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ऐसा मुझे नहीं लगता है। सुजीत ठाकुर, ट्रिपल तलाक का इशू है वो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रस्ताव में उसको किस उद्देश्य से आपने शामिल किया है, एक तो ये चाहिए। दूसरा, मुझे आपने कहा कि पड़ोसियों से मेरे रिश्ते अच्छे हुए हैं, भारत के रिश्ते अच्छे हुए हैं, क्या पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे हुए हैं या उन्हें हम कॉर्नर करने में सफल हुए हैं? पहली बात तो ऐसी है कि हमारा उद्देश्य अच्छा है, आपका पूछने में क्या उद्देश्य है मुझे पता नहीं है। महिला महिलाएं हैं और महिलाओं के प्रति हमारे सरकार बहुत संवेदनशील है। बेटी बचाओ हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है और मैं ये मानता हूं कि किसी भी समाज में तीन तलाक के नाम पर महिलाओं के साथ जिस प्रकार की पद्धति है ये मानवता के लिए अच्छी नहीं है और इसको हमने राजनीतिक मसला नहीं बनाया। मैंने यही कहा कि महिलाओं के प्रति अगर कोई मंदिर में, हिंदू धर्म के मंदिर में, महिलाओं को अगर पूजा करने के लिए जाने से रोका जाता है तो हमारा कहना यह है कि किसी को रोकना नहीं चाहिए, सबको भगवान का दर्शन लेने का अधिकार है, यानी हम कोई रिलीजियस इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं ऐसा नहीं होता। तलाक को लेकर भी हमने कोर्ट में जो भारत सरकार का एफिडेविट दिया है उसमें हमने हमारी महिलाओं के प्रति जो न्याय की भूमिका है वो भूमिका हमने रखी और वही भूमिका हमारे सभी जात पंथ धर्म भाषा वाले बोलने वाले महिलाओं के प्रति है और ये भूमिका हमने रखी है। इसको केवल महिलाओं के हितों में हमने रखी भूमिका, इतना ही उसका आप अर्थ लगाइए, बाकी आपके मन में हमारे और कोई मतलब उसके पीछे है ऐसे अर्थों को आप भी मत छूए, मेरे हमारे मन में तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के बाद तो हम लगातार चाहते हैं कि पाकिस्तान और हम गरीबी का सामना कर रहे हैं, गरीबी भुखमरी और बेरोजगारी उनकी समस्या, हमसे भी ज्यादा उनकी समस्या है, क्यों हम डिफेंस पर इतना पैसा खर्चा करें? और इसलिए पाकिस्तान से हम लोग दोस्ती चाहते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल को छोड़कर पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी को मिलने के, उनके घर में शादी उसको मिलने के लिए वहां चले गए क्योंकि उनका इरादा था कि दोस्ती बने, पर हम तो दोस्ती का इरादा रखते थे पर बाद में पठानकोट पर अटैक हुआ। हमारा कहना यही है कि अगर पाकिस्तान ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमको एक्सपोर्ट कर रहा है, ये जो टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहा है उसको बंद करें और अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रस्तावित करें। और आतंकवादी आज पूरे विश्व में, चाइना ने भी उनको कहा है, बाकी अभी कोई उनका एक ने कहा है, पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है अब तो भी पाकिस्तान। और मुझे लगता है पाकिस्तान के विदेश मंत्री का एक स्टेटमेंट मैंने टीवी पर देखा, उनने अचानक बोलते बोलते कह दिया कि अब हमको भी सुधरना पड़ेगा, तो मुझे लगता है पाकिस्तान सुधरे तो हमारे रिश्ते अच्छे होंगे और हम दिल से चाहते हमारे इच्छे अच्छे बने। विकास भदौरिया। नितिन जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो आपने जो महिलाओं के सम्मान को लेकर जो बात कही उसमें विरोधाभास है। हाल ही में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई, रात को 12 बजे लड़कियों पर लाठीचार्ज किया गया, एक तरफ तो आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी सरकार रात को 12 बजे लड़कियों पर लाठीचार्ज कर रही है। दूसरा मेरा सवाल ये है, इस समय देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर। एक तरफ लोग मांग कर रहे हैं, राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि उनको शरणार्थी का दर्जा दिया जाए, क्या बीजेपी ने रोहिंग्या मुसलमानों के किसी दर्जे पर राजनीतिक प्रस्ताव में कोई बात की है? पहली बात तो ऐसे कि ये बनारस की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके प्रति जितना दुख जताना चाहिए उतना कम है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी राज्य सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है, उनका जो कहना है उसके ऊपर निश्चित रूप से समाधान ढूंढा जाएगा। ये कानून और व्यवस्था में वहां के स्थानिक पुलिस में ये हुआ है उसकी इंक्वायरी भी होने वाली है,
पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पर एकाधिक घटनाएं देश में ऐसी होती है, इसका मतलब हम महिलाओं के प्रति सब जगह लाठा मार रहे हैं ऐसा आप मन में क्यों समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये घटना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, निषेधार्य है। हम महिलाओं के प्रति बाय एंड लार्ज सम्मान जताते हैं, आदर करते हैं और महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, बराबरी का मौका मिलना चाहिए, यही हमारी भूमिका है। और इसीलिए तलाक के विषय पर भी हमने न्यायपूर्ण भूमिका ली, कुछ महिलाओं को मंदिर में जाने का अधिकार मिलना चाहिए उसके लिए भी हमने वही भूमिका ली, महिलाओं को बेटी बचाने के बारे में हमने वही भूमिका ली, महिलाओं के शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हमने भूमिका ली, महिला पढ़ने चाहिए, महिलाओं के हॉस्टल्स बढ़ने चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट में उनको ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, ये भी भूमिका हमने ली। तो मुझे लगता है भूमिका हमारी साफ है, एकाधिक घटना अगर होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए और उस घटना के कारण उसको इसके साथ जोड़ना उचित नहीं होगा, इतना ही मुझे कहना है। पूर्णिमा जोशी, नहीं उसके बारे में तो जो बहुत सी बातें ऐसी सामने आ रही है कि हमारे देश में हमने पानी भेजा बांग्लादेश, हम उनको मदद कर रहे हैं, हमको फूड पैकेट्स दे रहे हैं, सब कुछ बातों में हमारी भूमिका मानवता के आधार पर है, पर कल कोई आतंकवादी हमारे देश में घुस जाए ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जहां तक शरणार्थी उनके बारे में मानवता के आधार पर हमारी भूमिका है और प्रधानमंत्री जी ने जब वो म्यांमार गए थे इसी भूमिका को रखा है। पर इसके साथ साथ हमारे देश में मुझे लगता है कि इस प्रकार से देश की सुरक्षा को ध्यान में लेकर उसकी भी कोई प्रिवेंटिव मेजर्स और चिंता भी हमने करनी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा भी हमारे लिए सर्वोपरि है। देखिए मुझे लगता है कि भारत में सहिष्णुता, सहजता, सर्वसमावेशकता ये भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। जो शिकागो में विवेकानंद जी का भाषण था वो बहुत सुंदर भाषण है। उन्होंने कहा कि मैं उस देश से आया हूं जहां यह नैसर्गिक है और इसलिए हमारे तरफ से कोई आतंकवादी और कोई संगठन को भारत के सरकार की ओर से स्पॉन्सरशिप मिलना, सपोर्ट मिलना ये कभी संभव ही नहीं और हम कभी करेंगे भी नहीं और हमारा सरकार को ये मान्य भी नहीं है। पर जहां तक जो घटना म्यांमार में हुई है चिंताजनक है और वहां की सरकार ने वहां की माइनॉरिटी की रक्षा करनी चाहिए और वहां के कानून के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति कानून के खिलाफ अगर कुछ करता है तो उस देश के कानून के अधीन रहकर वो कार्रवाई कर सकते हैं। Mr. Gadkari, there have been concerns in the last 4-5 months about falling growth rate and economic slowdown for which demonetization and GST implementation is being blamed. Has there been any discussion about it? Is there a political response to the concerns? मुझे ऐसा लगता है कि जब बड़े बड़े रिफॉर्म होते हैं तो शुरुआत के समय में थोड़ी बहुत समस्याएं रहती है और जब भी हम लोग ये जीएसटी की बात आई हर महीने में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, जो जो सेक्टर अपनी समस्याएं बताते हैं उसको सुना जाता है, हम मंत्रियों को कहा गया कि हमारे सेक्टर की समस्या भी हम ढूंढें, मेरे यहां फाइनेंस सेक्रेटरी और शिपिंग सेक्टर की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, बहुत सी समस्या उनने सुलझाई। तो शुरुआत के समय में राज्यों के बीच में और भारत सरकार के बीच में, फिर भारत सरकार को लेकर अनेक छोटी मोटी समस्याएं, इसको और ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड और सिस्टम को और परफेक्ट कैसे बनाए, जो कमियां उसको सुधार कैसे करें, इसके ऊपर वॉर फुटिंग पर सरकार काम कर रही है। नोटबंदी के बाद भी स्वाभाविक रूप से एक बात हुई है, आज इनकम टैक्स में देने वाले जो लोगों की संख्या थी वो लगभग दुगनी हुई है। अब डिजिटल करेंसी की शुरुआत हुई है, नंबर दो की पैरेलल इकोनॉमी समाप्त हो रही है, काला पैसा जनरेशन होना कम हो गया है, पूरा बंद हो गया ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अब इकोनॉमी में जब सुधार आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ समय के लिए जब थोड़ी सी तकलीफें होगी, पर ये थोड़े समय की तकलीफ है, लॉन्ग टर्म पर हमारी इकोनॉमी फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, डबल डिजिट ग्रोथ की ओर जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार हम लोग
बहुत काम कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। और मैं बताऊंगा कि हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मुझे बताया कि उनका सेल 68% बढ़ा, सीमेंट का 40% सेल केवल एनएचआई यूज करती है सीमेंट, तो स्वाभाविक रूप से रोजगार भी निर्माण हुआ है, शिपिंग पोर्ट्स की इफिशियंसी बढ़ी है और हम बड़े प्रमाण पर अब और रेलवे में पावर में अनेक योजनाएं ला रहे हैं। शुरुआत के समय की थोड़ी बहुत तकलीफें हैं पर ये तकलीफें दूर करके इकोनॉमी और गतिशील बनेगी, इसका लगातार रात दिन प्रयास वॉर फुटिंग पर हम कर रहे हैं। जहां जहां कमियां हमारे ध्यान में आती उसको हम सुधार रहे हैं और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और तुरंत ई गवर्नेंस के साथ जुड़ी हुई सिस्टम आने के कारण नंबर दो के व्यवहार बिल न देते हुए धंधा व्यापार करने वाली जो परिस्थितियां थी वो बंद हुई है, उसका एक इम्पैक्ट है। अब होटल में भी जाना है तो सबको कहीं ना कहीं अब सब रिकॉर्ड हो रहा है, हवाई जहाज टिकट हो या एसटी का टिकट हो या होटल का बिल हो या रेस्टोरेंट का बिल हो। अब तकलीफ लोगों को आज तक आदत थी, लेने वालों को थी, देने वालों को थी, अब उसको पहले अब स्वाभाविक रूप से सुधार होने में और थोड़ा टीथिंग ट्रबल है, पर मुझे लगता है कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये परिस्थितियां जो ये टाइमिंग है इसमें काफी सुधार होगा और उसके लिए हमारे प्रयास लगातार चालू है। नितिन जी, जैसे ट्रिपल तलाक में आप लोगों ने वो कोर्ट का मसला था उसमें आप लोगों ने एक पॉलिटिकल पोजीशन लिया जेंडर जस्टिस पे, एक और कोर्ट में मसला है वो है आर्टिकल 370 का और 35A का, वहां पे आपकी सहयोगी जो सरकार में जो सहयोगी है कश्मीर में वो उनकी दूसरी राय है, आपकी जो प्रदेश यूनिट है दूसरी राय है, कश्मीर पर प्रस्ताव में चर्चा हुई है, क्या इस पर कोई राय एक बन चुकी है कि पार्टी 35A के पक्ष में है या उसको हटाने के पक्ष में है? माननीय गृहमंत्री इसके बारे में अपना वक्तव्य दे चुके हैं और जो ट्रिपल तलाक की बात थी तब सरकार ने हमको एफिडेविट करने के लिए कहा था, अब हम कोई पॉलिटिक्स हमने नहीं किया जैसे अभी उन्होंने पूछा, अब सरकार को जब एफिडेविट मांगा गया तो देना पड़ेगा, तो हमने वो दिया। इस केस के भी मुझे मालूम है, इसके दो तीन केसेस मिली जुली है, उचित समय पर हम लोग इसका एफिडेविट दाखिल करेंगे और जहां तक हमारी भूमिका है वो गृहमंत्री ने पहले स्पष्ट कर दिए। सर नितिन जी, मेरा आपसे सवाल है, कुछ दशकों पहले इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, अब बीजेपी नारा दे रही है गरीबी से मुक्ति, भारत को गरीबी से मुक्त करेंगे, तो नारा एक तरह से समान ही हो गया। दूसरा सवाल है, सोनिया गांधी ने अभी प्रधानमंत्री जी को लेटर पत्र लिखा है महिला आरक्षण के बारे में, क्या आपके राजनीतिक प्रस्ताव में महिलाओं का आरक्षण देने के बारे में कोई उल्लेख है? पहली बात तो कि उनका नारा था, हमारा प्रत्यक्ष कार्यक्रम शुरू है। कैसा है कि एक छोटी बात है, मैं मंत्री था, आपने नोटिस किया कि नहीं मालूम, ये ई रिक्शा चल साइकिल रिक्शा चलाते थे लोग, मैं बड़ा इसके बारे में सेंसिटिव था, मुझे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, खूब कायदे कानून आए, मैंने बदल दिए सब, और मैंने कहा नहीं, आदमी को नहीं ढोएगा। अब ये संख्या 1 करोड़ है, अब मैं अमेरिका में था तो वर्ल्ड लेवल के मैगजीन में लिखा जाता है कि हिंदुस्तान में 3 साल में अच्छी बात कोई हुई तो साइकिल रिक्शा जो आदमी को धोता था अब आदमी मैकेनिक ड्रिवन रिक्शा चलाता है। अब कैसा कि यह छोटी सी घटना है पर यह संख्या 1 करोड़ की है, गरीब को राहत देने वाला यह कार्यक्रम, अब ये 3 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर और सेगड़ी मिली है, ये आप हमारे लिए मामूली बात है पर जो हमारी मां बहनें रोज लकड़ी लाती थी, कोयला लाती थी, फुकरी, वो क्या बोलते थे उसको, फुकनी, हमारे मराठी में फुकनी कहते थे, फू फू करते तो आंखों में जाते थे धुआं और वो आंखें ऐसे फिर वो जलाते फिर उसे रॉकेट डालते थे बरसात के दिनों में, वो इतना तकलीफ होती थी, आंखें खराब होती थी। 3 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मिला, सेगड़ी मिली, क्या ये महिला के जीवन में बदल नहीं हुआ, गरीब के जीवन में?
अब ये मुद्रा योजना में जो लोन मिला है 3.5 करोड़ लोगों को, क्या ये बदल नहीं है? 3 करोड़ जो बैंक में अकाउंट्स थे वो 30 करोड़ हो गए, अब उनको डेबिट कार्ड भी मिल सकता है, लोन भी मिल सकता है, क्या ये बदल नहीं है? बदल है, पर ये जितना अभी करना है उससे पर्याप्त नहीं है। हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, कुछ काम हमने करके दिखाया, केवल स्लोगन नहीं दिया। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर उनको चिंता थी कि कांग्रेस के नेताओं की गरीबी कैसे हटे, वो गरीब की गरीबी हटाने की बात नहीं थी। हमारी चिंता जो है वो देश के गरीब की गरीबी कैसे दूर हो, किसान के खेत को पानी, मैं मंत्री हूं अभी, रिवर कनेक्टिविटी की योजना 3 महीने में 5 योजनाएं शुरू कर रहा हूं, 88 लाख हेक्टेयर जमीन पानी के, मैं किसान हूं मुझे पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब पहली बार पाइप में पानी लेकर ड्रिप से देना, ये हजारों लाखों हेक्टेयर हो रहा है, बाढ़ के कारण कितना नुकसान हो रहा वो बचेगा। तो ये छोटे छोटे कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं गांव, गरीब, मजदूर, किसान के जीवन को सुसह्य बनाने की एक ईमानदारी से कोशिश है। ये पर्याप्त है क्या? शायद कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का नहीं है, पर हमको, मैं ये मानता हूं कि हमने किया है, पर इससे भी ज्यादा करना है, यही नई इंडिया की सोच है, और उसके लिए ज्यादा काम करना यही हमारा मिशन है। मुकेश जी राजस्थान पत्रिका, आरसी जी प्लीज प्लीज, मुकेश जी राजस्थान पत्रिका प्लीज, नहीं नहीं नहीं, एक नाम इसने किसका लिया, या आप पूछो, आप पूछो। महिला आरक्षण के बारे में जब कांग्रेस पार्टी का राज था तब कांग्रेस पार्टी में मेजोरिटी थी, तब सोनिया जी ने ये निर्णय क्यों नहीं किया ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, पर उनकी जो बात उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजी है उनके पत्र का स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री जरूर उस पर सोचेंगे क्या हो सकता है। मुकेश जी राजस्थान पत्रिका, पर जो अपने कार्यकाल में जब 37 नहीं कर पाए, शायद भूल गए होंगे, शायद अड़चन आई होंगी, अब हमको याद कर रहे हैं, चलो तो प्रधानमंत्री जरूर सोचेंगे उसके ऊपर। गडकरी जी, अर्थव्यवस्था को और रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे ऐसी बात लगातार सुनाई दे रही है, क्या इस बारे में यहाँ भी बैठक में भी कोई चर्चा हुई कि सरकार को ऐसे कुछ प्रस्ताव लाने चाहिए? देखिए, ये बैठक जो थी उसमें राजनीतिक प्रस्ताव एक ही आया है, और राजनीतिक प्रस्ताव में जो विविध बिंदु है वो सुरक्षा से लेकर आर्थिक स्थिति तक है, और गरीबी दूर करने से लेकर तो भारत चीन विवाद के विषय तक के थे। ये एक ही दिन की मीटिंग है, पर सरकार संवेदनशील है, और जो जो भी समस्या है उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी, आपको पता होगा हर कैबिनेट मीटिंग होने के बाद हम 4 मंत्रियों के साथ उनकी डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे मीटिंग होती है, और मंत्रिमंडल में हमारे डिटेल चर्चा होती है, इसके अलावा हम बैठते हैं, जो जो फीडबैक हमको मिलता है हम उनको बताते हैं, वो भी लेते हैं, और हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि जो भी समस्या उस पर मात करके कैसे सॉल्यूशन निकाले जाए, और वॉर फुटिंग पर हमारे प्रयास शुरू है। प्रदीप जी आधा जवाब आपका आ गया है, लेकिन अगर बात करें, आपने राजनीतिक प्रस्ताव में बात की है, खासतौर से जो बात की है आर्थिक मुद्दे, जीएसटी की बात की है आपने, बेरोजगारी की बात की है, अगर देखें तो क्या अलग से कोई आर्थिक प्रस्ताव आएगा या नहीं आएगा, और क्या वित्त मंत्री ने कुछ बात रखी है? आज के इस मीटिंग का जो टाइम टेबल है उसमें सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और शाम को 5 बजे खत्म होने वाली है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी की भी अलग अलग मीटिंग है, और इसलिए एक ही प्रस्ताव हो सका, और एक ही प्रस्ताव में सभी प्रकार की बातें जो देश से संबंधित थी, आवश्यक थी, वो राजनीतिक प्रस्ताव में आई है। अब अंतिम सवाल है रजनीकांत जी और शेष नारायण सिंह जी का, न्यूज नेशन कहाँ है रजनीकांत जी? वो तो चेन्नई में है। शेष नारायण सिंह जी, मेरा तो मेरे अच्छे मित्र है गडकरी जी। हाँ बनारस, हाँ अभी अभी इतने में मिला नहीं हूँ उनको। नारायण राणे से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, बात भी नहीं हुई है। महिलाओं वाले मेरा एक छोटा सवाल है। हाँ बनारस में लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन वो लड़कियां 2-3 बातें कर रही थी, लफंगों को हमारे हॉस्टल के बाहर कर दो, मतलब गेट से हटा दो, और बत्ती लगा दो, 10-12 बल्ब लगाने को कह रही थी, और ये आपके वाइस चांसलर साहब 10 दिन से उसको लटकाए हुए थे,
तो इनकी इस गैर जिम्मेदार हरकत के लिए और लड़कियों को गाली वाली भी मिली, तो क्या आपके नौकर हैं तो केंद्र सरकार के हैं? हमारे खिलाफ एक्शन प्रपोज़ल, मुझे इतना ही जानकारी है कि अध्यक्ष जी की प्रधानमंत्री जी की दोनों की बातचीत मुख्यमंत्री से हुई है और इस विषय के बारे में जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य सरकार तुरंत उचित कार्रवाई करे। सर ये यही बात जो है उसकी सब इसका समाधान ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूं।